को मुट्ठी में बांध सका है कौन, समुद्र को सीधा जान सका है कौन। मंदिर नाथ भोलेनाथ, वो नाथ कैसी हुई, भोला चंदन दिन रात कैसी हुई। मंजूर है, मंजूर हम करें। मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और मुझे मनोज सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मुझे मास्टर जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मुझे सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। आपने परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया किया, मनोज सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इंडस्ट्री में आए हैं, पहली फिल्म है और हमारे यहाँ मान्यता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले हम लोग गणेश जी को याद करते हैं और हमारे शुभ काम में तो हमारे साथ गणेश जी स्वयं बैठे हुए हैं। तो हमारी पहली फिल्म में इन्होंने अपना हाथ पर हमारा हाथ पकड़ा है और लंबे प्लान्स हैं, अगले साल दो मूवीज हैं, इस साल एक और मूवी है, तो काफी चीजें चल रही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। आप लोगों ने ट्रेलर और सॉन्ग देख रही है, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और देश की मिट्टी, देश की जो डांस की फॉर्म्स हैं, कला हैं, उसको बड़े देसी बने में हम लोगों ने शूट किया है और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। बस यही उम्मीद रखते हैं कि 27 मई को जितना प्यार हमको इस वक्त प्रमोशन में सबको मिल रहा है वैसे ही दर्शक दे दें तो हमारी टीम की विक्ट्री हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं ये क्लियरली कह रहा हूँ कि जितने माँ बाप हैं, अगर बच्चा डांसर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है या इस फील्ड में आना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसके जो दिल में उसको सपोर्ट कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भोजपुरी गाने करें, हर जगह पे ये इंडस्ट्री है, बहुत प्यारी है और हिंदुस्तानी कला को बेसिकली हम बहुत प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ हर इंडस्ट्री में हिंदुस्तानी कला का एक परचम लहराए, झंडा लहराए, हमारे हिंदुस्तानी जो संस्कृति है, जो हमारे, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ 30-35 साल से डांस के फील्ड में हूँ और मैं खुद हिंदुस्तानी कल्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ। और आप देखिए, बाजीराव मस्तानी देखिए या खली बली देखिए, शिवजी के गाने देखिए, मेरे जो भी गाने हैं वो हिंदुस्तानी कल्चर को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं ये देहाती डिस्को के थ्रू हिंदुस्तानी कल्चर के डांस फॉर्म को आगे लाऊँ। डांस एकेडमी में ओपन करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं मेरे लिए अभी सही वक्त है क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ। जिस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैंने गुरु पदवी पा ली उस दिन मैं आऊँगा, अभी तो फिलहाल मैं एक स्टूडेंट हूँ, अच्छा कुछ सीखना चाहता हूँ। आप देखें, मैंने रियलिटी शोज़ नहीं किए क्योंकि मैं लोगों को जजमेंट नहीं कर सकता हूँ, पहले मैं खुद को जजमेंट कर लूँ। वक्त आने पे 100% मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मुझे अभी मैं कुछ सीख चुका हूँ तो 100% आऊँगा सिखाने के लिए। सर, गांव में आपने बताया गांव में शूटिंग की आपने, तो क्या गांव के भी लोगों ने इसमें एक्टिंग किया क्या? 100% पूरे यूपी बिहार के हम लोगों ने आर्टिस्ट लिए हुए, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लिए, अच्छे अच्छे डांसर्स लिए, चुन चुन के लिए हम लोगों ने उनको उनका ऑडिशन लिया। और मैंने ये देखा है
कि यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कमाल के एक्टर, कमाल के डांसर्स है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यूपी बिहार में आके फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ। फिल्म में वाकई इस हमारे इस देश की मिट्टी में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि मेरी जो कहानी है ये यूपी बेस है। वहाँ के हम लोग जब मनोज हम लोग ने बात की थी तो ऐसा था कि ये कहानी मेरे साथ बहुत जुड़ती है, मेरे रियल लाइफ से बहुत जुड़ती है। तो मैं इसमें एक दूध बेचने का काम कर रहा हूँ, मतलब उसमें कैरेक्टर ऐसा है, अपने बच्चे को संभाल रहा हूँ। तो लखनऊ में एक छोटे से पीपरसन छोटे से गांव में शूट किए, तो मुझे भाषा बहुत अच्छी लगती है, अवधि भाषा बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यूपी शहर और बिहार सर को इस फिल्म के लिए चुना, शूटिंग के लिए। कैसा लगा सर फिल्म में? बहुत मज़ा आया। देहाती बाबू बनना इतना अच्छा नहीं, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से देहाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है बोलना शब्द। अच्छा, ये इंग्लिश वाले किसको पीछे लिखा हुआ भी है? हाँ सर, बॉलीवुड फिल्म की अगर बात करें तो ज्यादातर जो स्टेप देखने के लिए मिलते हैं, जो डांस देखने के लिए मिलते हैं, जैसा पॉपिंग पॉपिंग जो तमाम चीजें आप बता रहे थे, तो आप एक तरफ फिल्म बना रहे हैं देहाती डिस्को इंग्लिश वाले किसको, और इस टैगलाइन को आप फिर बॉलीवुड में कैसे फैलाएंगे? बॉलीवुड में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता हूँ। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि इंग्लिश वाले किसको, मतलब मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ। अगर वो घमंड से हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि मेरी फिल्म में है कुछ ऐसे पार्ट की जो एक लड़का बाहर से बहुत सारे डांस सीख के आया और यहाँ बोलता है कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं इंग्लिश, ये मैंने हिप हॉप लॉकिंग फिल्म किया, मैं वो, तो मैं उस चीज़ को बताना चाहता हूँ, भैया हम आपकी कला को झुक के नमन करते हैं, प्यार करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी कला बहुत अच्छी है, हम उस पर गर्व करते हैं। तो ये मैसेज है, इसलिए कुछ गांव वाले बोलते भैया वो इंग्लिश सीख के आया, इंग्लिश इंग्लिश डांस करके आया, तो हम एक दूसरे को देखते हैं और बोलते ठीक है इंग्लिश वाले किसको आए देहाती किसको। किशन मैं अभी से नहीं जानता, हम दोनों साथ में स्ट्रगल करते थे, मेरे पास से डांस सिखाए। रवि मेरा बहुत सालों से दोस्त है, देखो तो हम बचपन से दोस्त हैं, और रवि ने इस फिल्म में मेरे छोटे भाई का रोल किया हुआ है और बहुत ही कमाल किया हुआ है। रवि को पता है फिल्म के जिस्ट क्या है, और रवि फिलहाल शूटिंग कर रहा है सनी देओल के साथ वहाँ पे, तो उसको पता है फिल्म क्या है क्या नहीं है, वो 100% हमारे साथ है, ना होते हुए भी साथ है। सर आप देहाती डिस्को काम ये फिल्म कर रहे हैं, इसमें देहात में सर घूम के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, शुद्ध हवा आती है, एकदम शुद्ध हवा आती है। TNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।